देवशयनी एकादशी कब की पड़ेगी। आप सभी शम भक्तों को जय श्री शम। शम भक्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, देवशयनी एकादशी आने वाली है। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी के बारे में बताने वाला हूं। तो शम भक्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, देव शयनी यानी जो देव होते हैं वो शयन करने के लिए चले जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव शयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शम भक्तों, देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु इंद्रा के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और वहां जाकर पूरे 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं। शम भक्तों, इन 4 महीने में किसी भी तरह के कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं और ऐसे 16 जो संस्कार होते हैं वो इस दौरान नहीं किए जाते हैं, जैसे कि शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश। शम भक्तों, देवशयनी एकादशी के दिन के बाद से शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते, क्योंकि शम भक्तों, देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु शयन के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं यानी कि निंद्रा में चले जाते हैं, और जब भगवान विष्णु की उपस्थिति नहीं रहती तो किसी भी शुभ काम को करने का पर्याप्त फल हमें नहीं मिल पाता। इसके साथ साथ सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन की स्थिति में हो जाता है। शम भक्तों, देवशयनी एकादशी पर पूजा किस प्रकार से आप सभी को करना चाहिए। शम भक्तों, इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर आपके जो डेली के कार्य हैं यानी कि नित्य कर्म है, उन सभी कर्मों को कर लेना चाहिए। नित्य कर्म करने के बाद, स्नान इत्यादि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए यानी पीले रंग के वस्त्र आपको इस दिन धारण करने चाहिए क्योंकि एकादशी का दिन है, और उसके बाद एक लोटा जल लेकर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पण करने के पश्चात आप अपने पूजा के आले में आकर जहां सभी देवी देवता विराजमान है वहां आकर, अगर स्नान कराने वाली मूर्ति आपके घर में है तो उन्हें स्नान करा सकते हैं, बाबा श्याम को स्नान करा सकते हैं, और इसके साथ साथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए पीले रंग के फूल ले सकते हैं, पीले रंग की माला अर्पित कर सकते हैं, पीले रंग का भोग अर्पण कर सकते हैं। इसके साथ साथ श्याम भक्तों, आपको पूजा सामग्री में गंगा जल रखना है, फूल रखना है, इसके साथ साथ चंदन रखना है, पान रखना है, सुपारी रखना है, इलायची रख सकते हैं, आप चाहे तो मेवे का भोग रख सकते हैं। भक्तों, जो आप भोग लगाएंगे कोशिश करिए उस भोग को एक दिन पहले ही आप अपने घर में अपने हाथों से तैयार कर ले। अगर आप देवशयनी एकादशी पर किसी भी प्रकार के पीले कलर की मिठाई का भोग लगाते हैं तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, बाबा श्याम अति प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर बनती है। और भगवान विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसके बाद शाम भक्तों, भगवान की आरती वगैरह कर लीजिए। सभी देवी देवता जिसकी भी आप आरती करते हैं उनकी आरती कर लीजिए, भगवान विष्णु की आरती कर लीजिए, माता लक्ष्मी की आरती कर लीजिए और उन्हें प्रणाम करिए। और जो भी प्रॉब्लम आपके साथ है यानी जो भी स्थिति आपके साथ घटित हो रही है, चाहे आप कर्जे में डूबे हुए हों, चाहे आप किसी विशेष दुख में हों, तो वो भगवान विष्णु के समक्ष हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि हे विष्णु भगवान, मेरे सर के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, आप अपनी ऐसी कृपा करो जिससे मुझे इन सब से छुटकारा मिल सके और मेरा कल्याण हो सके। इस तरह से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से आग्रह करनी है, बाबा श्याम से प्रार्थना करना है। इस प्रकार से देवशयनी एकादशी वाले दिन आपको भगवान से प्रार्थना करना है क्योंकि उसके बाद तो भगवान विष्णु निंद्रा में चले जाएंगे। तो शम भक्तों, ये जो 4 महीने हैं बहुत ही महत्वपूर्ण महीने होते हैं। इन 4 महीने में भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवता की आपको आराधना करनी चाहिए, महादेव की आराधना करनी चाहिए जिससे आपके ऊपर विष्णु भगवान की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बन सके। तो शम भक्तों, देवशयनी एकादशी के समय में भगवान विष्णु निंद्रा में चले जाते हैं तो भगवान शिव उनके काम को संभालते हैं, यानी इन 4 महीने में भगवान शिव भगवान विष्णु के काम को संभालते हैं, उनके कामों को देखते हैं। यानी कि शम भक्तों, कोई भी शुभ काम इस समय नहीं किए जाते, परंतु जो धर्म कर्म के जो भी काम है या दान पुण्य का जो भी काम है वो आप इस समय में बढ़ चढ़ के कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस समय अगर आप ये सारे कार्य करते हैं तो भगवान विष्णु की महिमा के साथ साथ महादेव की भी कृपा बनी रहती है। तो शम भक्तों, जुलाई 2024 में 3 एकादशी एक साथ मिल रही हैं। जैसे कि शम भक्तों, आप जानते हैं कि हर महीने में 2 एकादशी आती है, परंतु जुलाई महीने में ही
तीन एकादशी एक ही महीने में आ रही है और ऐसे संयोग कभी कभी बनते हैं। श्याम भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 जुलाई 2024 को योगिनी एकादशी थी, जो आने वाली एकादशी है यानी कि देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 की होगी और इसी तरह से कामिका एकादशी जो होगी वह 31 जुलाई 2024 की होगी। तो श्याम भक्तों, हम बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी की। तो चलिए श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि देवशयनी एकादशी 2024 में कब की मानी जा रही है, यानी कि देवशयनी एकादशी 16 को मानी जाएगी या 17 को मानी जाएगी। श्याम भक्तों, पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी की जो शुरुआत हो रही है वो 16 जुलाई 2024 को रात्रि 8:34 से एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, यानी 8:33 तक दसवीं तिथि रहेगी 16 जुलाई 2024 को और इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। और ये एकादशी तिथि जो रहेगी वो 17 जुलाई 2024 को रात्रि 9:03 तक रहेगी। यानी श्याम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार एकादशी की जो तिथि है यानी एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 17 जुलाई 2024 की रखी जाएगी। अब श्याम भक्तों, बात कर लेते हैं एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो श्याम भक्तों, एकादशी व्रत का जो पारण होगा वो 18 जुलाई 2024 को सुबह 5:26 से लेकर 8:15 के अंदर आपको यानी एकादशी तिथि के व्रत का पारण कर लेना है। तो श्याम भक्तों, द्वादशी तिथि वाले दिन यानी कि 18 जुलाई 2024 को जो द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है वो रात्रि 8:44 पर है। तो होपफुली श्याम भक्तों, एकादशी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिली होगी। ऐसे ही जानकारी को देखने के लिए, सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।